मुंबई मलाड में स्नेहा सागर सोसाइटी महाराष्ट्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हर तरह से मदद कर रही है। स्नेहा सागर सोसाइटी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ग्राउंड पे जाकर काम कर रही है। महाराष्ट्र के कई गांव तबाह हो चुके हैं, सांगली है, कोल्हापुर है, इस तरीके के कई गांव हैं जो तबाह हो चुके हैं। कई एरिया में बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं, लोगों के जो घरेलू सामान है पानी में बर्बाद हो चुके हैं। कुदरती जो आपदा होती है उससे बहुत ज्यादा ज्यादा नुकसान हुआ है। जो लोगों के दुकानों का जो सामान है वो बर्बाद हो चुका है, लोगों के खाने पीने का अनाज बर्बाद हो चुका है, लोगों के जो घरेलू सामान है वो बर्बाद हो चुका है। इस तरीके से काफी सोसाइटी, काफी लोग, काफी एनजीओ, काफी सोसाइटी मदद कर रही है। इसी वजह से एक है स्नेहा सागर सोसाइटी जो आगे आई है, लोगों की मदद कर रही है, वहां पर जाकर लोगों के जो मुआयना करती है, वहां पर देखती है कि किस चीज को, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए, उसकी जरूरत के मुताबिक वो चीज वहां पहुंचाती है। चाहे राशन हो, चाहे चटाई हो, चाहे घरेलू सामान हो, स्टोव हो या बर्तन हो, इस तरीके के काफी सामान स्नेहा सागर सोसाइटी पहुंचा चुकी है। लोगों से अपील कर रही है स्नेहा सागर सोसाइटी की वो ज्यादा से ज्यादा जो महाराष्ट्र में जो एरिया तबाह हो चुके हैं, जो गांव तबाह हो चुके हैं, उनकी मदद करे। क्योंकि स्नेहा सागर सोसाइटी जब वहां पर काम करने गई तो उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और मदद के लिए अभी और भी हाथ चाहिए और लोगों की जरूरत चाहिए। इस तरीके से उन्होंने काफी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि स्नेहा सागर सोसाइटी जो जिस तरीके से साथ दे रही है और लोगों की मदद कर रही है, तो लोगों को भी आगे आए। और अगर किसी को वहां पर पहुंचाना है तो स्नेहा सागर सोसाइटी है या और भी एनजीओ है जो ये काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उनका साथ दें और वो जाकर इन गांवों में लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों के जो घरेलू सामान है, जिस तरीके से बहुत लोगों के पूरे पूरे घर तबाह हो चुके हैं, लोगों की जिंदगी भर की जो पूंजी थी वो खत्म हो चुकी है, चाहे वो दुकान हो या मकान हो, हर कुछ खत्म हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो इंसान के पास सिर्फ जो बचा है वो एक अकेलापन है और उसको वो काफी एनजीओ में साथ दे रहे हैं। काफी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस दुख भरी घड़ी में स्नेहा सागर सोसाइटी और भी काफी एनजीओ आगे आ रहे हैं, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है। हम भी अपील करते हैं कि लोग आगे आए और लोगों ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि अगर आप लोग मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, जो परेशानी कम होगी, क्योंकि लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोग पूरे बर्बाद हो चुके हैं और सरकार भी मदद कर रही है और कुछ एनजीओ भी मदद कर रहे हैं। स्नेहा सागर सोसाइटी का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आगे आकर लोगों की बहुत हेल्प की, लोगों की बहुत मदद करी और उनका एक बहुत अच्छा एक देने का अंदाज है जो स्नेहा सागर सोसाइटी लोगों तक पहुंचा रही है कि वहां पर जाके ग्राउंड पे जाकर काम करें। जैसे कुछ एनजीओ है जो ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, उसमें एक स्नेहा सागर सोसाइटी है जो ग्राउंड पे जाके काम कर रही है। ग्राउंड पे जाने के बाद वहां पर पूरा सर्वे करते हैं कि वहां पर किसको किस चीज की जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक वो लोग उनको वो चीज मुहैया कराते हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो घरेलू सामान हो, चटाई वगैरह है, या लोगों के पूरे पूरे घर तबाह हो चुके हैं, उनका घर बनाने का काम हो। इस तरीके के काफी काम है जो स्नेहा सागर सोसाइटी कर रही है और वो पूरी तरीके से लोगों से ये अपील कर रही है कि मतलब लोग आगे आए और अगर किसी को मदद पहुंचानी है वहां पर जिन गांवों में, जिन महाराष्ट्र के जिन एरियो में जो तब कुदरती आपदा के कारण ये जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अगर कोई मदद करना चाहता है तो स्नेहा सागर सोसाइटी ये काम कर रही है कि वो उन लोगों तक खाना पहुंचा रही है, उन लोगों तक राशन पहुंचा रही है, लोगों का जरूरी सामान पहुंचा रही है। तो आप स्नेहा सागर सोसाइटी का साथ दें, और भी काफी एनजीओ है जो स्नेहा सागर सोसाइटी जैसा काम कर रहे हैं, आप उन लोगों का साथ। मुंबई से काशिफ जैदी की रिपोर्ट।